हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। ए सेट ऑफ एन एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ एम रोज ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर्स इज कॉल्ड एम इंटू एन मैट्रिक्स एंड इज रीड एज एम बाई एन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। इट मीन्स मैट्रिक्स होती क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डाटाज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। नेक्स्ट हमारे पास है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिंबल यानी कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करें, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम सबसे पहले सबसे मेन सबसे बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से भी कर सकते हैं एंड डबल एरो के साइन से भी। सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है वो कैपिटल ब्रैकेट वाला नोटेशन है, वही यूज होता है। यहाँ पर मैंने इसमें लिखा ए आई जे। यहाँ ए आई जे, आई और जे क्या है, आई है कि ये एलिमेंट किस रो का एलिमेंट है, जे है ये एलिमेंट किस कॉलम का एलिमेंट है, और ए आई जे को हम लिखते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि उस मैट्रिक्स का एलिमेंट है ये ए आई जे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई हुई है, यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें जो एलिमेंट्स है ए वन वन लिखा, इट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए वन टू मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वन थ्री मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से किसी मैट्रिक्स में कितने भी रो एंड कितने भी कॉलम हो सकते हैं। अभी रो क्या चीज़ है, रो है किसी मैट्रिक्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको कहते हैं रो। किसी मैट्रिक्स में कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो सकती हैं। नेक्स्ट, ऐसे किसी मैट्रिक्स में जितनी वर्टिकली लाइंस होंगी वो क्या होते हैं, कॉलम। जैसे सी वन कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी वन सी टू सी थ्री। इस तरीके से रो को रिप्रेजेंट करते हैं आर वन आर टू आर थ्री से। नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितनी रो हैं एंड टोटल कितने कॉलम्स हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डर। जैसे हमने जनरल नोटेशन में लिखा एम इन टू एन, तो ये क्या आपके पास ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, एम रो हैं और कितने कॉलम हैं, इसमें एन कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, एम इन टू एन। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एम इन टू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इसी का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स लिखा है, इस मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे कितनी रो हैं, वन टू, और कॉलम कितने, वन टू थ्री। तो ये मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर की होगी, टू इंटू थ्री ऑर्डर की, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है, टू, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने, थ्री। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, टू इंटू थ्री। थैंक यू।